सभी योग के जिज्ञासुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस जप योग किस वीडियो में आप लोगों के समक्ष मैं पुनः एक नया जानकारी के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने, एंजॉय करें और उसकी उपयोगिता का लाभ उठा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कबीर ने कहा है, माला नहीं कर से जपूं, जिभ्या कहूं ना राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं आराम। माला नहीं कर से जपूं, ध्यान दीजिएगा, कबीर ने बोला कि मैं माला हाथ से नहीं जपता हूँ। हाथों में जो माला लेके जपते हैं, चाहे वह रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वह तुलसी की हो, चंदन की हो, मूंगा की हो, मोती की हो, या फिर किसी भी चीज की माला हो, करमाला भी हो सकती है, मैं किसी भी तरह की माला को नहीं जपता हूँ अपने हाथ से, माला नहीं कर से जपूं। तो फिर जिभ्या कहूँ ना राम, मैं अपनी जीभ से, अपनी टंग से भी राम का नाम, शिव का नाम या जो भी इष्ट देवी देवता हैं, किसी का भी नाम मैं नहीं जपता हूँ। फिर क्या करते हैं कबीर, माला नहीं कर से जपूं, जिभ्या कहूं ना राम, फिर क्या कर रहे हैं, कौन सी विधि है उनकी, राम मेरा सुमिरन करे, राम मेरा सुमिरन करे, माने कि जो चैतन्य राम है, राम की परिभाषा आप लोगों को समझना होगा, जो राम शब्द है, राम नाम है, लिखा है कि रमन्ते योगिनो इस्मिन् योवै स रामः। व्याकरणाचार्यों ने बताया है, व्याकरण में लिखा है, जो योग के, जो योग में रमन्ते जो रमण कर रहा है, किस में रमण कर रहा है, माने जो योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं अर्थात रमते हैं, रमना माने मिल जाना, लीन हो जाना, योगी अपने अस्तित्व का, अपने चैतन्य भाव का जो विलय कर देते हैं जिस सत्ता में, उस सत्ता को, प्रभु सत्ता को, परम सत्ता के लिए यहाँ पर राम बोला गया है। तो कबीर कह रहे हैं कि राम मेरा सुमिरन करे, कि मेरा सुमिरन राम करता है,
मैंने अपने आप को अस्तित्व को सौंप दिया है। प्रभु सत्ता में मैं पाऊँ आराम। मेरा जो ईगो है, मैं है, वो आराम पाता है। There is no any doubt because there is no ego and no problem. All problems are coming out from egoism. सभी समस्याओं, सभी पीड़ाओं का जो कारक है, फैक्टर है, वो आपका अहम है। तो मैं को आराम कब मिलेगा? जब मैं नहीं रहेगी, मैं तू बन जाएगी। तो इसमें बताया है कि मैं पाऊँ आराम, माला नहीं कर से जपूँ, जिव्या कहूँ न राम, राम मेरा सुमिरण करे, मैं पाऊँ आराम, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चौथी प्रक्रिया है, जिसके लिए हम परावाणी का जप कह सकते हैं, इसका जो अभ्यास है, यदि आप इस प्रक्रिया को, ये एक पूर्ण ध्यान पूर्ण प्रक्रिया है। अभी तक आपने वैखरी का, मध्यमा का, पश्यंती का जप किया, उस जप की प्रक्रिया से गुजरे, या आपने मेरे वीडियो सुने। ये जो चौथी प्रक्रिया है वो है परा जप की। तो एक परा एक अवस्था होती है, परा बाणी होती है, उससे जप स्वाभाविक होता है, आपको करना नहीं होता है। उसी के बारे में कबीर ने एक अपना विचार, अपना सूत्र, अपनी प्रक्रिया को व्यक्त किया है कि माला नहीं कर से जप। तो जब आपका जप पश्यंती से परावाणी में रूपांतरित हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, तो फिर आपको ना जप हाथों से करना है, ना किसी माला से करना है, ना आपको जिह्वा से करना है, ना मध्यमा माने वैखरी वाणी से करना है, ना मध्यमा से करना है, ना पश्यंती से करना है। क्योंकि जो जप करने वाला है वही विसर्जित हो गया। आपका जो अहम है, जो अहम ने अब तक जप किया वैखरी के माध्यम से, मध्यमा के माध्यम से, पश्यंती के माध्यम से, तो ये जो चौथी प्रक्रिया है परावाणी से जप की, ये अहम को विसर्जन की प्रक्रिया है। तो मैं कह रहा था, पिछले वीडियोस में मैंने बोला है, क्या जप योग के द्वारा भी समाधिस्थ हुआ जा सकता है? निश्चित रूप से, यदि आप इस चतुर्थ प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं, या चतुर्थ आयाम, जो जप का चतुर्थ आयाम है, विधा है, उससे गुजरकर आप चतुर्थ प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे, तो ये वही अवस्था उत्पन्न हो जाएगी जो कि योगी लोगों के लिए योग के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, योग के जिज्ञासुओं, योग प्रेमियों, ये आपके लिए जप योग के माध्यम से भी आप अपना आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं विभिन्न सूचनाओं, जानकारियों के साथ में आऊँगा कि कैसे कैसे रहस्य में भारतीय सनातन संस्कृति में, ग्रंथों में,
जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं, गूढ़ प्रक्रियाएं हैं, मैं आपको उनसे ज़रूर अवगत कराऊंगा। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने विचार और अपनी रुचि भेजते रहिएगा, ताकि मैं उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप लोगों की इस सेवा कार्य को जारी रख सकूं, नियमित रख सकूं। और तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले किसी विशेष जानकारी के साथ में। धन्यवाद, प्रणाम।